देखिए कल परसों से जो एक डबल वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि अमित शाह साहब कुछ और कह रहे हैं और दिखाया कुछ हो जरा, मुझे लगता है उसको डबिंग की गई है। और उसी सिलसिले में कश्मीर से भी एक इलियास मीर नामी इलियास मागामी कोई है जिन्होंने सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाला था, एक नंबर। दूसरा नंबर, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एसटी और ओबीसी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और अमित शाह साहब ने कहीं नहीं कहा कि इनके रिजर्वेशन को हम खत्म करेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ही जिन्होंने एसटी को पहले दी, उसके बाद पहाड़ी कम्युनिटी को भी उन्होंने और ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिए। बेसिकली ये कांग्रेस का हथकंडा है और कांग्रेस जो पूरे मुल्क में हार रही है वो पिछड़ रही है। अब जम्मू कश्मीर में आते आते भी वो चाहते हैं कि यहां थोड़े से फसादात हो, प्रोटेस्ट हो, क्योंकि बंद की काल इस बार चली नहीं और अब कांग्रेस ने दूसरे तरीके से डिफरेंट तरीके से इस चीज को डील करने की कोशिश की ताकि पहाड़ी ओबीसी और जो गुजर बकरवाल बाईस है वो सड़कों पे आके यहां प्रोटेस्ट और वो बायकाट की सियासत जो हमेशा उन्होंने की वो बायकाट सियासत फिर जम्मू कश्मीर में चले और महज चंद वोटों से कोई एमपी आके जीत ले या कुछ हजार की वोटों से। बेसिकली इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, जम्मू कश्मीर में फिर एक बार वो 2019 से पहले वाली जो सिचुएशन थी जिस तरह से बायकाट की कॉलेज दिलवाई जाती थी या प्रोटेस्ट या पत्थरबाजी करवाई जाती थी वही मॉड्यूल है, वही पैटर्न है ये कांग्रेस का, वो जम्मू कश्मीर में बायकाट करना चाहते हैं। इसलिए कोई मीर इलियासी इलियास मागामी जो अपने आप को कांग्रेस के सेवा दल के साथ जो एफिलेटेड है उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल के यहां कश्मीर में हालात और अमन को खराब करना चाहते थे। मैंने कंसोरन पुलिस स्टेशन और राजबाग पुलिस स्टेशन में भी उसकी कंप्लेंट की और मैंने ऑलरेडी आईजी साहब जो एसएसपी बड़गाम हमारे हैं उनसे और एसएसपी साइबर से भी मैंने पिछले कल से मैं उनकी टच में हूं और आज उनके खिलाफ एक बाजबता एफआईआर लॉन्च हुआ है। ये बात नहीं, देखिए कोई पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन है कर सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ होम मिनिस्टर की भी आप इज्जत नहीं करते और उनके खिलाफ भी आप झूठ और प्रोपेगेंडा और होम मिनिस्टर के नाम पे आप यहां गद्दारत कराना चाहते हैं, ऐसी चीजों की माफी नहीं दी जा सकती। इसके खिलाफ एक्शन जो पुलिस ने, एक तो पुलिस का शुक्रिया लेकिन पुलिस से हम अपील करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए।